नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान ग्राम पंचायत सरपंच पद उम्मीदवार के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या राशन कार्ड, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये है ऑफिशियल, इसमें क्या क्या दिए गए हैं। सरपंच बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 2020 सरपंच चुनाव फॉर्म बनने के लिए इन दस्तावेजों का होना बेहद ज़रूरी है। जो इस प्रकार, यदि आप ही सरपंच पद के लिए उम्मीदवार या फॉर्म बनना चाहते हैं तो ये आवश्यक दस्तावेज होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है आधार कार्ड, दूसरा अदेय प्रमाण पत्र जो NOC है, तीसरा है जमानत राशि, चौथा है सांख्यिकीय सूचना प्रपत्र और पांचवा है जाति प्रमाण पत्र, छठा है मूल निवास प्रमाण पत्र, सातवां है शौचालय संबंधी शपथ पत्र और आठवां है आपके पासपोर्ट साइज फोटो होना। तो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये पूरी डिटेल वाइज इसमें दिए गए हैं, तो आप एक बार और नोटिस कर लें। आधार कार्ड, अदेय प्रमाण पत्र, जमानत राशि, सांख्यिकी सूचना प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शौचालय संबंधी शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो यदि आप 2020 में सरपंच पद उम्मीदवार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और राजस्थान सरपंच चुनाव जो 3 चरणों में होंगे, उनकी डेट अभी आनी है, तो डेट जैसे ही आएगी सबसे पहले वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।